हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। बलिया कांड के पीड़ित परिवार ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार ने कहा, पुलिस ने आरोपी को पिस्तौल के साथ छोड़ दिया और अब उन्हें अपनी जान का खतरा दिख रहा है। बलिया में सरेआम गोलीबारी करके एक शख्स की जान लेने वाला आरोपी धीरेंद्र सिंह पिछले 48 घंटे से ये फरार है। इस बीच आज बीजेपी विधायक बलिया के जिला अस्पताल पहुंचे और आरोपी के परिवार से मिलकर रोने लगे। उन्होंने पीड़ित पक्ष पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। विधायक का कहना है, अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो अनशन करेंगे। आरोपी धीरेंद्र सिंह को विधायक जी का करीबी बताया जा रहा है और अब विधायक जो हैं वो खुलकर आरोपी के साथ खड़े दिख रहे हैं। अगली खबर, पंजाब के तरन तारण में कल बलविंदर संधु की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन सवाल अब भी खड़ा है कि आखिर जिसने आतंकियों को अपने दम पर मार गिराया, उस शूरवीर बलविंदर सिंह का हत्यारा कौन? सीसीटीवी का नया वीडियो सामने है जिसपे कातिल गोली चलाता दिख रहा है। पूरे इलाके और परिवार में शोक है। गुनहगार कब गिरफ्तार होंगे, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन पंजाब सरकार खामोश है। अगली खबर, बिहार के चुनाव में चिराग पासवान के बयान से एनडीए मुश्किल में। चिराग ने बयान दिया कि वो मोदी के हनुमान हैं और पीएम मोदी उनके दिल में बसते हैं। वो हनुमान की तरह सीना चीर कर दिखा सकते हैं। हालांकि बीजेपी साफ कह रही है कि एलजेपी वोट कटवा पार्टी है और बिहार के चुनाव में नीतीश ही एनडीए के नेता हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक। आप रहिए हमारे साथ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।